हेलो गाइस, आज हम आपको जीरी के भरे खेत दिखाएंगे, जिससे के 3-4 दिन लगातार के बरसात के बाद जो हाल हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे कि 3 दिन की बरसात के बाद भी हमारी जीरी खेतों में कैसे लहराती हुई खड़ी है। बस ये है कि पानी भरने से जीरी फसल ख़राब होने से बच गई हमारी। अब कुछ दिनों की धूप के बाद हमारी जीरी पक जाएगी, उसके बाद कटाई होने के बाद खेतों में जाके खेतों की कली भर के चली, वो काम हमारा तैयार है। ठीक है दोस्तों, हम आपको अपने खेत का व्यू दिखाते हैं और जो जीरी पक चुकी है वो दिखाते हैं। चले दोस्तों हमारे खेतों की सैर, ये देखो जो खेत हैं वो हरे भरे हैं, चलते हैं। देखो दोस्तों, 3 दिन की लगातार की बरसात से बहुत पानी भर चुका था, लेकिन मोटनो ब्लॉक पंप द्वारा निकाल दिया गया है और अब हमारी फसल जो है कि बहुत बढ़िया खड़ी है। कुछ दिनों की धूप से ये पक जाएगी, उसके बाद कटाई के लिए तैयार है। फिर हमारी फसल खेतों की कली भर के बढ़ती चली। देखो मेरे भाइयों प्यारे, ये खेत में अमरूद का पेड़, जिससे के ताजे ताजे मीठे मीठे अमरूद लगते हैं और बिना किसी केमिकल के नेचुरल फल मिलता है हमें पेड़ों से। ये देखिए दोस्तों, एक अमरूद लगा हुआ है लेकिन अभी कच्चा है, अभी हम आपको उसका व्यू दिखाते हैं। ज्वार लगी हुई, अब वहां पे चलते हैं, आपको ज्वार दिखाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अमरूद का पेड़ और ये हमारे खेतों में पुलिस बना हुआ है, उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। निकाल दिया गया है ब्लॉक पंप के द्वारा और हमारी ज्वार बच चुकी है। 3 दिन लगातार बरसात हुई थी, इससे हमारे तो पसीने ही छूट गए थे, लेकिन राम जी ने बहुत बड़ी कृपा करी, अब बरसात रुक चुकी है और पानी सूख चुका है। धन्यवाद मेरे भाइयों, अब अगले एपिसोड में आपके दर्शन होंगे हमें।